थक चुकी हूँ, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ। आप लोग भी बोर हो जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? एंड आज सुबह सुबह मेरा बहुत सारा काम हो गया है, मतलब नहा लो एंड पूजा दे दो। मुझे लगता है एक बड़ा काम लगता है ना, कंप्लीट हो गया, स्पेशली पूजा दे दो। अभी बहुत जन बोलेंगे पायल ऐसा नहीं बोलना चाहिए, सी यू नो कभी कभी क्या होता है, इतना सारा काम रहता है ना कि यू नो लेट हो जाता है पूजा देने में। कोई कोई डे तो स्वामी की शाम को पूजा देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यू नो नहा भी लिया है, पूजा भी दे दिया, बर्तन देना एंड ऑल भी हो गया है। एंड सी नाउ द टाइम इज 11 o'clock। तो आज ऑलमोस्ट मैं होल डे किचन पे ही रहने वाली हूँ, बिकॉज फॉर राइस बर्थडे में बहुत सारा प्रिपरेशन, यू नो आई विल प्रिपेयर ए लॉट ऑफ थिंग। तो उसके लिए सब कुछ मैं प्लान आउट करूंगी। एंड मेनी ऑफ यू विल से कि पाइल रैक्स को दिखाओ, तो लिविंग रूम में कोई भी नहीं है, क्योंकि आज भी यहाँ पे इतने स्वामी बोल रहे थे 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होने वाला है एंड इट्स रियली हॉट, तो सभी लोग नीचे पे ही है। एंड सॉरी, थोड़ा साउंड सुन सकते हैं क्योंकि फैन चल रहा है। एक्चुअली मैं ना अपना जो माइक है ना वो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ये ना मेरा आवाज छोड़ के दुनिया भर का आवाज लेगा। अब लाइक सपोज अभी फैन चल रहा है ना, तो ये फैन का लाइक साउंड कैप्चर कर लेगा। एंड स्पेशली ना जब एसी चलता है ना, तो एसी में ना लाइक आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देगा। ओके, सेंट्रलाइज एसी में आप देखेंगे कोई साउंड नहीं रहता, पर इसको ये माइक को ना साउंड सुनाई देता है। तो इसलिए ना आजकल मैं माइक लगा ही नहीं रही हूँ फॉर दैट रीजन। तो जो भी हो, तुम आज मैं बहुत सारा प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि राय का 13 बर्थडे के लिए मैंने बहुत स्पेशल सोचा है, यू नो स्पेशल मेनू मैंने सोचा है। तो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाऊंगी, बट देन ऑल्सो यू नो अकेले तो यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन, तो वो मैं करूंगी। तो प्रिपरेशन करने से पहले मैं सोच रही हूँ मेरा जो सेकेंड बच्चा है जैतिस रैक्स को थोड़ा बाहर में लेके चली जाऊं। तो चलिए अभी मैं काम पे लगती हूँ। जो जो मैं बनाऊंगी ना, वो सब मैंने निकाल के फ्रिज से पहले ही रख दिया था, लाइक आज सुबह ही रखा था, ताकि यू नो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। लाइक जो जो मैं बनाऊंगी ना, सभी राय को पसंद है, डेफिनेटली उसका बर्थडे है तो उसका मनपसंद चीज ही बनाना चाहिए। एंड मुझे एक्चुअली अपना हेयर ना भी टाई कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आप लोग भी बोर हो जाएंगे, बोलेंगे कोई कमेंट पे लिखेगा पायल 100 बार सिर्फ एक ही लाइन बोल रही है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पर क्या करूं सीरियसली बहुत ज्यादा गर्मी है, पर कोई बात नहीं, फैन है ना, हो जाएगा। तो फर्स्ट मैं भाजा मसाला बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने 1 tablespoon ऑफ जीरा, 1/2 tablespoon ऑफ सौंफ, 1 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 लौंग एंड 2 इलायची को हम लोग लो फ्लेम में ना इसको भून लेंगे, लाइक रोस्ट कर देंगे। तो जब ठंडा हो जाएगा देन वील ब्लेंड इट। एंड अभी मैं सिर्फ एक ही प्याज चॉप नहीं करूंगी, लाइक जो जो जैसा मैं बनाऊंगी ना उसी तरीके से मैं कट कर रही हूँ। लाइक यहाँ पे प्याज, फिर 2 ग्रीन चिलीज एंड थोड़ा कोरिएंडर लीव्स मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। एंड यहाँ पे मैं पनीर कट कर रही हूँ, बिकॉज आई विल मेक पनीर लबाबदार, क्योंकि राय को पनीर बहुत पसंद है। तो मैं जैसे हर वक्त बोलती हूँ कि खाना बनाना तो इजी है, मेन थिंग इज यू नो द प्री प्रिपरेशन होता है, यू नो अरेंजिंग एवरीथिंग। तो जो जो मैं राय के लिए कल बनाऊंगी ना, लाइक हाफ में आज कुछ कुछ बना के रख दूंगी। हाफ मतलब क्या, सपोज मसाला बना के रख दिया, तो वही अभी मैं सब कुछ मैरिनेट एंड ऑल करूंगी जो मुझे करना है, क्योंकि मैंने बहुत लंबा मेनू सोचा है। एंड स्वामी मुझे डांट रहे थे कि क्या जरूरत है, यू नो इतना गर्मी में, नहीं फैन तो है, एंड धीरे धीरे करेंगे तो इतना कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आलू भी बॉईल कर लिया है। तो फर्स्ट जो जो मैरिनेट करना है ना, मैं वो सब करके रख दूंगी। सपोज अगर आप पार्टी के बारे में भी सोच रहे हैं ना, गो लाइक एक सिस्टमेटिक वे से जाइए, तो ईजी होता है। अभी ये सब करते करते तो वी ऑल आर हैबिचुएटेड ओनली। तो मैं एक इंडियन स्टाइल में चिली चिकन बनाऊंगी। यहाँ पे अराउंड 1 kg चिकन है विद बोन्स, तो मैंने उसमें अराउंड 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट दिया है, सॉल्ट, फिर लिटिल बिट ऑफ व्हाइट पेपर पाउडर, उसके बाद मैं दे रही हूँ रेड चिली पाउडर, फिर एक अंडा दे देंगे, फिर ऐड करना है कॉर्नस्टार्च। तो अभी ना इसको मैरिनेटेड रखेंगे 1 घंटा के लिए, उसके बाद ना मैं इसको फ्राई कर लूंगी।
तो ये है श्रिम्प, तो इससे ना मैं श्रिम्प 65 बनाऊंगी। ये आज सिर्फ मैं मैरिनेट करके रख दूंगी, फिर कल मैं फ्राई करूंगी। तो पहले इसमें मैं थोड़ा सॉल्ट दे रही हूँ, फिर लिटिल बिट ऑफ हल्दी, फिर अराउंड 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, यहाँ पे अराउंड 700 ग्राम्स ऑफ श्रिम्प है, फिर नींबू का जूस, रेड चिली पाउडर, फिर ये ना एक पेस्ट है मैंने बनाया है विथ करी लीव्स एंड ग्रीन चिली, ये हम लोग देंगे। फिर अभी ना इसमें मैं थोड़ा चावल का आटा दे रही हूँ, अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है देन यू कैन ऐड कॉर्न स्टार्च ऑल्सो, इसको भी आप मिक्स करके रख देंगे। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। इस पे ना हम लोग थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा ज्यादा नहीं। रेडी हो गया है, अभी इसको सिर्फ आपको फ्राई करना है, दैट्स इट। तो अभी मैं इसको कल फ्राई करूंगी, आज लाइक फुल ये मैरिनेटेड रहेगा। तो मैं चिकन कटलेट नहीं तो चॉप बनाऊंगी, उसके लिए यहाँ पे अराउंड 700 ग्राम्स ऑफ चिकन मीन्स है, फिर मैंने एक आलू को बॉईल कर लिया था, फिर यहाँ पे फाइनली चॉप्ड अनियन से कोरिएंडर लीव्स एंड ग्रीन चिली, उसके बाद मैंने लेमन जूस ऐड किया है, सॉल्ट ऐड किया है, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, फिर मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ भाजा मसाला एंड 1/4 टीस्पून ऑफ चाट मसाला पाउडर, फिर ऑयल अगर ऐड नहीं करेंगे ना तो बहुत ऐसा ड्राई होगा। फिर मैंने ऐड कर दिया थोड़ा कॉर्न स्टार्च जिससे बाइंडिंग हो। तो अभी मैं एक शेप दे रही हूँ, तो ये मैंने कटलेट ना शेप करके दे दिया है, अभी मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी एंड उसके बाद ना फिर मैं ऊपर का जो कोट है ये मैं बाद में करूंगी। ये तो रहा चिली चिकन का मैरिनेशन, इसको मैं आज ही फ्राई कर लूंगी, तो ये मैं कल बनाऊंगी चिकन 65, सिर्फ फ्राई करना है, दैट्स इट। दिस इज अ वेरी इजी रेसिपी एंड बहुत टेस्टी लगता है, बट आई थिंक करी लीव्स होना ही चाहिए, उसी से टेस्ट आता है। एंड ये है पनीर, आप सबको तो समझ में आ गया होगा, तो पनीर लबाबदार के लिए ना मैंने पनीर कट करके रख दिया, ये मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये सब रहा नॉनवेज का प्रिपरेशन, पर राय को वेज सबसे ज्यादा पसंद है, तो वेज के लिए भी मैं बहुत कुछ बनाऊंगी। जब भी आप ऐसा बहुत बड़ा मेनू कुछ सोचे ना तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे से बनाएंगे ना तो बहुत इजी होता है। काफी लेट हो चुका है तो मैं जल्दी जल्दी अभी दोपहर के लिए खाना बनाऊंगी। मैंने ऑलरेडी चावल नहीं चढ़ाया है, सिर्फ पानी चढ़ाया है एंड थोड़ा श्रिम्प ना मैंने अलग करके रख दिया था, तो मैं एक श्रिम्प करी बना दूंगी, मैं बहुत ही ऐसे इजी टाइप, तो इसलिए मैं प्याज भी ना इसमें ही कर रही हूँ। सिर्फ सुपरवाइजर की कमी थी, वो भी आ चुका है देखने के लिए कि कैसे करके काम हो रहा है, ठीक हो रहा है कि नहीं। हाँ, बैठ के ही मैं देखूंगा, अभी फुल आकर ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, बिकॉज खाना चाहिए खाना। सिज़ो ब्रिज ना, पता नहीं शायद छोटे ब्रिज ऐसे होते होंगे या डॉगी का ऐसा ही नेचर होता होगा, कुछ भी दो ना खा लेगा। पर हाँ, सबसे फनी थिंग ये, इसके लिए ना अगर मैं कुछ ऑर्गेनिक खाना लाती हूँ तो वो नहीं खाएगा, बाकी कुछ भी से कॉन्स्टेंटली ढूंढता रहता है कि क्या खाना है क्या खाना है। तो सबको लंच खिलाना खत्म, लंच हो जाए ना सबका लगता है बहुत बड़ा काम हो गया। एंड मैंने वो श्रिम्प करी इतना जल्दी में बनाया था ना, पर ना आप देखेंगे जब आप जल्दी में कुछ बनाते हैं ना एक्चुअली बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, तो बहुत टेस्टी हुआ था। एंड अभी टाइम इज 3 बजने वाला है, तो दिस इज द परफेक्ट टाइम यू नो, बिकॉज सबका खाना एंड ऑल हो गया है। एंड नाउ ना इट इज सच ए रिलीफ, क्योंकि रैक्स तो अभी सीढ़ी चढ़ के लाइक नीचे उतर सकता है ना, तो उसे अभी कोई टेंशन ही नहीं है, वो जैसे अभी शौमिक के पास फुल चला गया नीचे में, तो वो ना अपना अपना घूमता रहता है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। एंड उसको भी यू नो थोड़ा तो ऐसा सेटिस्फेक्शन लगता है ना, क्योंकि पहले तो वो सोचता था कि हम लोग सब ऊपर में फोटो हो जाते थे, तो वो सिर्फ फोटो को देखता रहता था। अभी वो सब चला गया है, बट डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पे तो ये गेट है, ये मुझे और एक गेट खरीदना है, यू नो समटाइम्स वी डोंट वॉन्ट हिम टू गो टू डाउन, तो हम लोग गेट दे के रख सकते हैं, एंड इसमें तो गेट रहेगा बिकॉज ऊपर में भगवान है। Thank you.
तो मैं बूंदी बनाऊंगी। तो एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, फिर मैं चुटकी भर इसमें हल्दी दे रही हूँ, सॉल्ट ऐड नहीं कर रही हूँ। तो एक कटोरी बेसन के लिए ना मैंने हाफ कटोरी पानी लिया था। लाइक आपको ना पेस्ट जो होगा ज्यादा पतला भी नहीं होगा, फिर ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होगा, बहुत ही एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। तो 10 मिनट तक ऐसा ही रखना है। एंड यहाँ पे मैं दही वड़े बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने उड़द दाल का पेस्ट भी बना लिया है। तो फिर मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है। एंड जैसे मैं बोलती हूँ ना, आपको एक तरफ आपको एक साइड से ही इसको फेंटना चाहिए। एंड सी आफ्टर 10 मिनट्स कितना स्मूथ टेक्सचर बना है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम बिठा दिया है। तो इस फर्स्ट इस ऑयल में मैं बूंदी बनाऊंगी, उसके बाद मैं दही वड़ा बनाने के लिए वड़ा बनाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें चिली चिकन के लिए चिकन फ्राई करूंगी। एंड बूंदी ना, एक्चुअली राय को बूंदी रायता बहुत पसंद है। एंड राय को ना ऐसा बाहर का खाना बहुत जो बहुत लोगों का क्रेज रहता है ना बाहर का खाना, मुझे कोई बोले तो, अभी शायद इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतने वेराइटीज नहीं मिलते हैं, पर हाँ इंडिया होता तो हर डे मैं बाहर खा सकती हूँ। राय को ना इतना कुछ बाहर का खाना है ना, कभी भी इतना ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। तो मुझे लगा कि चलो बूंदी ऐसा मेरे पास है भी नहीं, मुझे अभी चाहिए तो मुझे इंडियन स्टोर जाना पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं घर में ही बना लूँ, बिकॉज आई फेल्ट दैट इज मोर इजी, यू नो, जाने आने में चला जाएगा बहुत सारा, 1 आवर तो चला ही जाएगा। क्या बोलते हो रेक्स? हाँ सब कुछ देख रहा है रेक्स, तुम क्या बोलते हो, कैसा अच्छा कर रही है क्या मम्मी? हाँ रेक्स बोल रहा है शायद, नो कमेंट्स, मेरा खाना हो गया, अभी मेरा नेक्स्ट खाना मुझे दो। तो तेल गरम हो चुका है, तो बहुत ही इजी है बूंदी बनाना। पर तेल को ना अभी मैंने आंच को मीडियम फ्लेम पे रखा है, एंड आप देख सकते हैं कितना इजीली हो जाता है। एंड मैंने ज्यादा बूंदी नहीं बनाया क्योंकि सिर्फ फ्राई के लिए है। एंड अभी मैं वरे को भी फ्राई कर लूंगी, एंड वरे को भी ना मैं मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करती हूँ। लबाबदार बनाने के लिए एक मसाला बनाएंगे। तो एक पैन पे मैंने दिया है 2 इलायची, 2 लौंग, लिटिल बिट ऑफ सिनेमन स्टिक, फिर यहाँ पे हाफ अनियन जो मैंने बहुत फाइनली चॉप कर लिया है, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अराउंड 2 टमाटर। एंड यहाँ पे चिली चिकन के लिए मैं चिकन को फ्राई कर रही हूँ, बहुत सारा काम एक साथ में कर रही हूँ। तो वरे को ना मैं ऐसा ठंडा पानी में भिगो रही हूँ। तो टमाटर जब अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, मैंने फिर एक ग्रीन चिली दिया है, फिर 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ऑफ धनिया, एंड मेरे पास ना कैशूनट पाउडर था, वो मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ। तो अभी ना ये मिक्सचर को ठंडा होने के बाद ना आप इसका पेस्ट बना लीजिए। एंड यहाँ पे चिली चिकन बनाने के लिए भी चिकन फ्राई हो चुका है। तो दही वड़ा का पानी मैं निचोड़ रही हूँ, एंड अभी मैं ना थोड़ा गुनगुना गर्म पानी लूंगी। तो मैंने थोड़ा गुनगुना गर्म पानी लिया है, उस पे मैंने सॉल्ट, भुना हुआ जीरा एंड थोड़ा हींग में ऐड कर रही हूँ, फिर हम लोग वरे को इसमें ऐड कर देंगे। चटनी बनाऊंगी विद डेट्स एंड टमाटर, क्योंकि राय को डेट्स एंड टमाटर का चटनी सबसे ज्यादा पसंद है। तो एक पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है, उसके बाद ना मैं थोड़ा 5 फोरन इसमें ऐड करूंगी, 1 सूखी हुई लाल मिर्च एंड 1 तेज पत्ता, उसके बाद जो टमाटर एंड डेट्स था उसको थोड़ा फ्राई करना है, थोड़ा सॉल्ट दे के ना कवर करके रख दे। तो 3 बजे से मैंने काफी काम कर लिया है, एंड मैं वही बोलती हूँ ना, आई डोंट नो हाउ कितनों के साथ होता है, पर कमेंट पे लिखना कि कभी ना कोई चीज आपको बहुत जरूरत है तभी वो नहीं रहेगा, जैसे कि नाउ इट इज सो हॉट, एंड अगर एसी रहता तो कितना अच्छा होता, लिविंग रूम में ही एसी नहीं है। शौमिक मुझे बोल रहे थे कोई जरूरत नहीं है खाना, मैंने बोला नहीं नहीं साल में तो एक ही बार बर्थडे आता है ना, क्यों मैं नहीं बनाऊंगी, एंड हो ही गया ऑलमोस्ट। तो जैसे कि ये तो ठंडा होने के बाद मैं फ्रिज में रख दूंगी, ऐसा दिस इज द इंडियन स्टाइल ऑफ चिली चिकन। जब हम लोग बैंगलोर में रहते थे ना, हम लोगों का एक कुक था, वो उड़िया कुक थे, एक्चुअली उड़िया लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो उसने हमें सिखाया था। हाँ तो ये यू नो मैं बहुत ही रेयरली करती हूँ, बिकॉज यू हैव टू डीप फ्राई इन ऑयल एंड ऑल, पर मुझे लगा चलो स्पेशल है मैं करती हूँ।
फिर यहाँ पे चिली चिकन के लिए जो जो चाहिए मैं इसमें सब कुछ कट करके रख दिया है। फिर ये तो पनीर लबाबदार बनाने के लिए अभी सिर्फ यू नो आई जस्ट हैव टू मेक द पेस्ट ऑफ इट, तो ये सब बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एंड अभी इसमें मुझे पानी फिर निचोड़ के मैं जस्ट वरे को रख दूंगी। एंड ये तो रहा रात को मैं पायेश बनाऊंगी बिकॉज बंगाली कुछ भी होता है ना हम लोग हर वक्त पायेश बनाते हैं। मैं थोड़ा फैन चला लेती हूँ। तो मैं पायेश बनाऊंगी रात को, अभी नहीं बनाऊंगी मैं। एंड हाँ फिर रात को ना मैं आटा नहीं डो बना के रखूंगी फॉर मेकिंग नान, क्योंकि राय को बहुत पसंद है गार्लिक नान खाना। तो मैं वो रात को ना डो बना के रख दूंगी। इसीलिए ना आज दही बड़ा जब मैंने बनाया ना मैंने हाथ से ही एक्चुअली उसको फेंटा, ठीक ही हुआ है बिकॉज वो फिर यू हैव टू वॉश। आप लोग बहुत जन मुझे हर वक्त पूछते रहते हैं, यू नो हर वक्त नहीं कभी कभी, यू नो व्हेन यू सी मी यूजिंग पेपर प्लेट्स कि पाइल पेपर प्लेट्स क्यों यूज करते हो, तो सी यहाँ पे ना अभी सपोज अगर पेपर प्लेट होता तो कितना सारा जो प्लेट यू नो स्पेशली जो प्लेट यूज हुआ है वो मैं यूज नहीं करती बिकॉज आप देखेंगे ना अगर आप ज्यादा खाना पकाएंगे तो बहुत सारा बर्तन यूज होता है। आई नो मेनी पीपल से कि एनवायरमेंट के लिए आई नो, बट यू नो कभी कभी हम लोग सभी खुद के बारे में सोचते हैं, कम ऑन लेट्स बी वेरी रियलिस्टिक। एंड ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सब कुछ पेपर का यूज कर रही हूँ, बट यार डेफिनेटली यू नो समटाइम्स इट्स रियली यूजफुल। आज जैसा मुझे बहुत जरूरत था पर आज जैसा नहीं है क्योंकि मैं लाना ही भूल गई है, इतना गर्मी है ना मुझे और बाहर जाने का ही मन नहीं कर रहा है। ये तो मैं चटनी बना रही हूँ राय के लिए, तो ऐसा लाइक कुछ जो जो राय को पसंद है वो मैं बना रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर यू नो इंडियन चाइनीज, जो जो राय को पसंद है। फिर मैं पास्ता भी बनाऊंगी, वो मैं कल बनाऊंगी बिकॉज दैट इज वेरी इजी टू मेक राय। तो टमाटर एंड डेट्स सॉफ्ट हो चुके हैं तो अभी मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। दिस इज अप टू आपको कितना मीठा चाहिए, ये जनरली मीठा ही होता है। फिर मैं इसमें भाजा मसाला ऐड करूंगी, पानी ऐड कर दिया है एंड अभी मैं भाजा मसाला ऐड करके ना कवर करके रख दूंगी, अनदर 5 मिनट्स रेडी हो जाएगा। मुझे लगा चलो मैं चिकन लाइक कटलेट को भी मैं कोट कर लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ा मेसी काम होता है। एंड यहाँ पे चटनी भी रेडी हो चुका है। तो फाइनली सारा काम खत्म। एंड एक बार ना अगर आप कटलेट बनाएंगे ना जैसे मैंने किया है ना, अगर आप फ्रिज में रख देंगे ना देन इट विल बी वेरी इजी जब आप कोट करेंगे। तो मैं ऐसा ही अभी इसको फ्रिज में रख दूंगी। एंड मुझे लगता है कटलेट मैंने लास्ट ईयर राय के बर्थडे पे बनाया था एंड उसके बाद शायद और हुआ ही नहीं बनाना, या उसके बाद और हुआ ही नहीं बनाना। तो अभी सब कुछ मैं फ्रिज में रख दूंगी, बस आज के लिए खत्म। और बट इट वॉज गुड यू नो, थोड़ा प्रिपरेशन करके रख देंगे ना तो ईजी होता है क्योंकि फिर भी बहुत सा सजाना वजाना भी तो है ना, मैंने बहुत सब कुछ खरीद के रखा है यू नो, मैं अच्छी तरीके से सब कुछ डेकोरेट करूंगी तो आई कैन डू ऑल दैट। एंड हाँ आप लोग बहुत जन पूछ रहे थे पायल क्या प्लान है, तो प्लान तो हम लोग का कुछ है पर देखते हैं मैं कितना मैं शूटिंग करती हूँ भी या नहीं, बट डेफिनेटली दिस ईयर वी हैव लिटिल बिट ऑफ प्लान। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। एंड हाँ अभी चलिए इस वीडियो को एंड भी कर देंगे। सी मैंने 2 आवर्स मैंने लाइक नॉन स्टॉप काम किया है, इट इज़ 5:10। तो अभी मैं जाके नहाऊंगी देन आई एडिट, नहीं मैं सब कुछ रख के चली जाऊंगी। मैंने थोड़ा दही वड़ा वड़ा थोड़ा अलग किया, यू नो मे बी आई विल मेक लिटिल बिट ऑफ दही वड़ा नाउ ओनली। एंड हाँ खत्म करने से पहले 2-3 चीज मैं बोल लेती हूँ। फर्स्ट आप लोग बहुत जन बोलेंगे रैक्स को नहीं दिखाया, रैक्स को नहीं दिखाया, तो वेट चलिए रैक्स को दिखाते हैं। तो रैक्स के अभी लाइफ में एक चीज अच्छा हुआ है बिकॉज वो यू नो वो खुद वो अप डाउन कर सकता है, तो वो जब मर्जी यू नो ही गोज अप ही कम्स डाउन, तो वो अपना चिल आउट करता ही रहता है। मैंने रैक्स को दिखा दिया एंड बहुत जन आप लोग बोल रहे थे कि स्टीमर कैसा है, तो मैं बोलूंगी स्पेशली जो लोग यू नो यहाँ पे रहते हैं जहाँ पे या
जो भी कंट्रीज में रहते हैं जहाँ पे यू हैव कारपेट, दिस स्टीमर इज रियली गुड, स्पेशली जो लोग यूएस में रहते हैं यू कैन डेफिनेटली गेट दिस स्टीमर. ये बीजल का है एंड व्हाट वाज द, मे बी आई विल राइट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, नहीं तो मैं यहाँ पे ही लिख दूंगी, वो डिस्क्रिप्शन पे मैं भूल जाती हूँ. आई विल राइट डाउन द मॉडल बिकॉज बहुत जन आप लोग बोल रहे हैं. एंड मेरा जो अमेजन का लिंक है ना, पता नहीं वो काम कर रहा है या नहीं, बहुत दिन हो गया मैंने देखा ही नहीं, बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गया था. तो ऐसा भी आप अमेजोन में सर्च करेंगे ना, मैंने जैसे सर्च किया बीजल, आप लिखेंगे ऐसा स्टीमर, कारपेट स्टीमर, फिर लो प्राइस से स्टार्ट कीजिएगा तभी वो आ जाएगा, बिकॉज इट वॉज इट्स ओनली $99 एंड कॉम्पैक्ट है ना, कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यू नीड 2-3 पीपल. तो आई एम रियली इम्प्रेस एंड दैट वन वॉज द बेस्ट थिंग जो हम लोगों ने खरीदा है. अभी वो नीचे के फ्लोर में है क्योंकि हम लोग को नीचे का फ्लोर करना है. जस्ट सी कितना साफ हो गया है मेरा कारपेट. तो एक रोज हम लोग सोच रहे हैं कि रैक्स को ऐसा रख के आएंगे डे केयर में सुबह से, एंड वील गेट हिम एट द इवनिंग टाइम, तब हम लोग फुल नीचे का फ्लोर कर लेंगे. हाँ चलिए, बहुत मैं थक चुकी हूँ, मैं सच्ची बात बोल रही हूँ. अभी मुझे अभी मैं नहाऊंगी एंड मे बी नहा के फिर रैक्स को बाहर लेके जाएंगे. ओ, मैं टाइम दिखा देती हूँ, अगर मैंने दिखाया है तो और एक बार देख लीजिए. इट इज 5:03. ओ 5:03 में क्या बोल रही हूँ, भगवान मैं फुल मेरा दिमाग चला गया. इट इज 5:15. तो चलिए बाहर से वीडियो को एंड करते हैं. ओ नो, इतना भी खराब नहीं है क्या, अच्छा हवा दे रहा है. एंड अगर मैं पैसा वसूली परफॉर्मेंस बोलूंगी जो मैं बोलती हूँ ना, जो आपको खरीद के मजा आ जाए, ये दैट इज दिस पेपर का प्लांट जो मैंने खरीदा था. इट वॉज वेरी चीप ऑल्सो एंड आई थिंक सो मैंने ये प्लांट ना 1 month बाद लगाया था, तो कितने सारे लाइक पेपर्स आते हैं. तो चलो विद दिस आई विल एंड टुडेज वीडियो. एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो राय का बर्थडे का व्लॉग होगा. विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी वीकेंड, बहुत मस्ती कीजिए. आई होप हम सबको हमारा वीकेंड बहुत अच्छा जाए, बिकॉज हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान आउट किया है. एंड आप सबका भी बहुत अच्छा जाए, मस्ती से रहिए एंड क्या अच्छा अच्छा खाना खाइए एंड घूमिए फिरिए, टाइम पास कीजिए. तो इस वीडियो को एक लाइक एंड जाने से पहले बाय बाय.